ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज आम भगवद गीता त्रयोदश अध्याय 19 नंबर श्लोक पढ़ा। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। शब्दानुवाद इति एही परि, क्षेत्रं क्षेत्र शरीर, तथा मध्य ज्ञानम ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञातव्य विषय, च मध्य उक्तम वर्णना करागला। समासतः संक्षेपरे मद्भक्त मोर भक्त, एतत् ए सबु विज्ञाय बुझी, मत मत भावाय मो भाव मो प्रकृति, उपपद्यते प्राप्त हुए। अनुवाद एही परि क्षेत्र शरीर ज्ञान एवं ज्ञेय ए सबु विषय रे विषय मो द्वारा संक्षेप रे वर्णना करा जाय अछि। केवल मोर भक्त माने ए सबु भल भाव रे बुझि पारंती एवं एही परि से माने मो भाव प्राप्त हुंती। भावार्थ कृष्ण कुमार श्री लक्ष्मीकांत स्वामी श्री प्रभात संस्थापक आचार्य अंतराष्ट्रीय कृष्ण भाव नाम को संग भगवान संक्षेप शरीर ज्ञान और ज्ञेय कथा एठारे वर्णना करिसंती। ज्ञान रे तीनोटी कथा अछि, यथा ज्ञाता ज्ञान एवं जानिबा विधि, एगुड़ी कर एकत्र समावेश को विज्ञान कहा जाए, समावेश को विज्ञान कहा जाए, अर्थात यहा ज्ञान विज्ञान अटे। भगवान शुद्ध भक्तगण प्रत्यक्ष भाव रे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पारती, अन्य माने ताहा बुझा को अक्षम। वेदांतवादी बा ब्रह्मवादी गण कहती जे अंतिम स्तर रे ए तीनोटी एक हो जाती, किंतु भक्तगण यह स्वीकार करती नाही। ज्ञान एवं ज्ञान वृद्धि अर्थ है कृष्ण चेतन निजक बुझा। आम्भे मैने जड़ चेतन परिचालित, किंतु आम्भे मैने आम्भ मान समस्त चेतना को कृष्णकर्म बा सेवार विनियोग कले, अर्थात जितेबले आम्भे मैने बुझिपर जे कृष्ण होती सब, से आम्भे मैने प्रकृत ज्ञान प्राप्त होगा। अन्य कथा कहपे जे ज्ञान आउ किसी नुहे, यह भक्ति जोग को भल भाव बुझा निमित्त प्राथमिक स्तर अटे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आम त्रयोदश अध्याय 19 नंबर श्लोक पाठ कले, तो भगवान कृष्ण कौन कहते क्षेत्र बाय शरीर, क्षेत्र अर्थ हूँ शरीर को क्षेत्र कहा, शरीर भितर जी अच्छी कहा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ दुईटी क्षेत्रज्ञ अच्छा कौन कौन से आम शरीर भितर दुईट क्षेत्रज्ञ अच्छा, गोटे हूँ आत्मा एवं आउ गए हूँ परमात्मा। तो आत्मा ये शरीर विषय जानी, कि परमात्मा समस्त शरीर विषय जानी। तो यहपरी भाव शरीर ये क्षेत्र विषय जाने
या पूर्वरु भगवान क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ विषय कही सारी तापर कौन कहते ज्ञान ज्ञान माने प्रकृत ज्ञान हूँ मु किए भगवान किए भगवान सहित मोर संबंध कौन मोर शाश्वत प्रकृति कौन ये सब हूँ प्रकृत ज्ञान ये जो जांत्रिक विद्या आम सेटेलाइट पठे दौचे मोबाइल फोन व्यवहार करुचे आप व्यवहार करुचे ये सब प्रकृत ज्ञान नुहे ये कहते जांत्रिक विद्या ये जांत्रिक विद्या हूँ कलिजुग सब निकृष्ट विद्या कलिजुग रखाई जिते बड़े खांडव मन को पांडव मान दहन अर्जुन विशेष करी खांडव बन भितर बहुत राक्षस थे तो से भितर गोटे मय बोली गोटे दानव थिला से मय दानव ये माया विद्यार से इंजीनियर थिला निपुण थिला एवं से जिते बड़े आसिकी भगवान को शरणापन्न है अर्जुन को शरणापन्न है आउ कहला मत मार ना तुमको गोटे विद्या देवी से माया विद्या बा इंजीनियरिंग विद्या तो भगवान कृष्ण अर्जुन को मना कले से विद्या ग्रहण करना कारण से विद्या कलिजुग अच्छी तो से निकृष्ट विद्या जो राक्षस मान विद्या द्वारा किसी उन्नति हम ना धीरे धीरे जिते आम साइंटिफिक एडवांसमेंट कहे अवनति हो आमर शरीर भी सुस्थ रो ना मन भी सुस्थ रो ना आमर परिवेश सुस्थ ना धीरे धीरे सब खराब हो चलती विज्ञान सुपल ज्ञान तो प्रकृत ज्ञान हूँ मनुष्य को शरीर सहित आत्मार कौन संबंध अच्छी आत्मार सहित परमात्मार कौन संबंध अच्छी या जानवा हूँ प्रकृत ज्ञान एवं ज्ञेय ज्ञेय मान जो सब विषय जानवा उचित ज्ञान एवं ज्ञेय ये सब को संक्षेप वर्णना करुच्ची भगवान कहते तो ये विषय मान पूर्व श्लोक वर्णना कर आगामी श्लोक भगवान संक्षेप वर्णना कर केवल मो भक्त मान युव भल भाव बुझीपारती भल भाव बुझीपार अर्थ हूँ जे पूर्वापर संबंध को निजर चित्तर रखी निज मन भितर रखिकी गोटे जिन बुझा से भल भाव बुझा तो पूर्वर भगवान कहते जे कौन से समय नथिला जो समय तू नथिलु मु नथिलि एवं ए राजा मने नथिले एवं एमती कौन से समय आसीबो नाही जो समय तू नथिबु मु नथिबे एवं राजा मने नथिबे मोर प्रत्येक जन्मर कथा मु मने रखुचि किंतु तू तोर जन्मरे जन्म हैला मात्र के नूतन शरीर प्राप्त हैला माने पूर्व जन्मर कथा भूली जाउ एटा अर्जुन को कहउछन्ति कृष्ण तो जिते बेले एही कथाटा कहउछन्ति सेते बेले हमको बुझी नेबा को पड़िबो जे आत्मा भी केते बेले से परमात्मा सहित लीन हो पार ना कि भगवान सहित मिसिकी एकाकार हो पार ना यहाँ अलरेडी आम बुझी सारे किंतु ये जो जिते भगवान कहते जे मोर भक्त मान सब भल भाव बुझीपार भाव से मो भाव प्राप्त हमें तो भगवान कहते मो भाव प्राप्त हमें मद्भाव मद्भावाय उपपद्यते तो ये किसी लोक यहाँ अनुवाद करेंगे जे भगवान ए विषय जानला पर जड़े भगवान भाव प्राप्त ही भगवान ही सेमती भी लोक तार विश्लेषण कर भगवान तो कहते आम साधारण हिसाब से देखने आम समस्त गोटे गोटे छोट 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 भगवान समुद्र जल गुणात्मक रूप से समान से गोटे तुम समुद्र गोटे पानी बा गोटे पुष्करणी गोटे लोटा पानी आमर कौन जोड़ा अच्छी प्यास बामर हाँ तृषा को मेटे पार कि समस्त तृषा को गोटे लोटा पा मेटे पार ना समस्त तृषा को किए मेटे पार पुष्करणी मेटे पार ठीक सेमती आम हूँ अणुचेतना आम विषय कौन अच्छी आम जानू कि समस्त भितर कौन हो जापर से विभुचेतना से समस्त विषय जानूं तो अणुचेतना विभुचेतनार भाव प्राप्त हो पार किंतु अणुचेतना विभुचेतना मिसिकी विभुचेतना हो पार ना से कथा आम भक्त मान ठीक भाव बुझीपार ठीक भाव बुझार अर्थ हूँ भगवान को कहार उद्देश्य हूँ यह ठीक भाव भूल भाव बुझा मैंने जड़े आत्मा जिते
भगवान विषय जान भगवान भाव प्राप्त हो भवानी प्रकृत भेद अभेद आमर जो जो फिलोसफी अच्छी जो दर्शन अच्छी ये वैष्णव दर्शन ब्रह्म महात्म गोड़िया संप्रदाय दर्शन ये कौन अचिंत्य भेद अभेद तत्व एक समय भेद अच्छी भेद ना गुणात्मक रूप से आम भितर भेद ना भगवान आम भितर भेद ना गुणात्मक रूप से कि आकार हिसाब से आम सहित भेद अच्छी अचिंत्य भेद अभेद भेद भी अच्छी अभेद मान भेद ना तो बुझा पड़ो भक्त ही बुझीपर जे आत्मा स्वरूप हूँ से भगवान नित्य दास से भगवान दाम को पशिगला मैंने गोटे दिव्य शरीर प्राप्त हो चतुर्भुज शरीर प्राप्त हो तो कौन से भगवान कृष्ण हेला नुहे तार भेद अच्छी कौन से भगवान सेवक से भेद अच्छी कि भाव प्राप्त हो भगवान जमती से गोलक वृंदावन रोचे भी गोलक वृंदावन रही तो जमी राष्ट्रपति पियन से राष्ट्रपति जहाँ खाऊ से भी सेम राष्ट्रपति जमी रूम रोचे रूम से प्रसाद से बगीचा से जो मोगल गार्डेन थी आजिकल तार नाम चेंज कर दे गार्डेन से बुलू सब राष्ट्रपति जहाँ कि ऐश्वर्य भोग कर गोटे राष्ट्रपति पियन सामान ऐश्वर्य भोग कर राष्ट्रपति नुह से राष्ट्रपति सेवक किंतु से जदि कह बासपट मार कह राष्ट्रपति तो जहाँ करा खाऊ मुझे से मान मु राष्ट्रपति से कहीपर मूर्ख जदि से कह ठीक से भगवान कहते जे मत जी बुझीपारा से मोर भाव को प्राप्त हुए केत भाव प्राप्त हो अंत काले च मामेव स्वरमुक्ता कलिवरम जिते अंत समय आसुची मृत्यु समय जिते आसुची से समय आम भगवान विषय स्मरण आसो भगवान आम दास बोली कथा मन पड़े कि मन पड़े आम सारा जीवन जब जप कर मोबाइल दीप दीप दब दब दम दम से गीत जब देखा लास्ट समय से दीप दीप दब दब दम दम मन पड़े बुझीपाले तो से आमको बहुत केयरफुल होगा पड़ो जे आम सब भगवान नाम जप करवा एवं केतेबेले आमर मृत्यु आसिबो केही कहि पारिबे नै आमर खाली वर्तमान समय रे एही समयटा गारंटी काली का केही देखि नै केतेबेले आमर मृत्यु हबो आमे केही जानि पार नै किपर मृत्यु हबो केही जानि पार नै तो सेति पई आमे सबबेले भगवान नाम जप करिबा एवं मुख्यतः आमर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संग रे ए सोळमाला अटेंटिव भाव रे बा भगवान कर डाब जप ए सोळमाला जो करा होती याकु बहुत शुद्धतार सहित अपराध मुक्त हो एवं निजर ध्यान पूर्वक षोलमाला करने कथा तापर आपत भी माला कर पारती दिन में माला धरिकी बिना माला रे भगवान नाम सब जप चल कथा तो भगवान कहते जे यही भाव रे जी मत बुझीपे अंत समय से मोर भाव प्राप्त हुए एवं सीटा हूँ परम भाव भगवान परम भाव आमर ज्ञान चरम सीमा हूँ आम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुसान दर्शनम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि अच्छी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये जो क्लेश मान अच्छी सबुर सबुदिन मुक्त हो जावा भगवत धाम गोटे शाश्वत जीवन जापन करवा हूँ ये शरीर उद्देश्य पुणी थे चान्स दिहला शरीर दिहला पुणी चांस दिया पुणी तुम्हें ट्राए कर ना एमती गोटे पुणी ए लुप चली टाइमलेस लुप आम जो मैंने हॉलीवुड सिनेमा देखुने जानते कमी जड़े गोटे लुप्रे फसिक रही पुणी से सब जिनता सहित होती पुनरपी जन्म पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शयनम पुणी छोट हो पुणी देही नो स्वीन यथा देहे कुमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तर नमुत तो धीरे धीरे आम प्रत्येक जन्म सहित आमर जो चेतना टी उन्नत स्तर को जीवा कथा किंतु जदि आम शास्त्र विरोधी कर्म करवा कौन हम आम चेतना धीरे धीरे पतन हम एवं पतन हो मनुष्य शरीर लाभ हो बेले बेले मनुष्य शरीर पर पशु जन्म मिल पशु जन्म गला मानते पुणी केन्म गलापर जा मनुष्य जन्म चान्स मिल पार
तो ये मनुष्य जन्म एत सहज प्राप्त हुए ना एवं जो मनुष्य जन्म प्राप्त होगापर भी जो जड़े तार से पशु भाया कम कर आहार निद्रा भय मैथुन नहीं तार समय जब व्यतीत कर आर जन्म देखिए प्रकृति देखिए या मनुष्य शरीर दिहला या तार उपयोग कराला कला ना तार अर्थ ये मनुष्य पाइबार योग्यता यार ना ताकू जो भाव से प्राप्त हो जन जब बहुत मांस खाइब मान मांस खाइले कौ भाव को प्राप्त होगा से बाघ गोटे मांस से जीवर भाव को प्राप्त होगा तो ताकू गोटे मांस से जीव करदे जन जब बहुत शोला गोटे बहुत अलसुआ कुकुर जीवन कि घुसुरी जीवन देदे सब शोब से तो ठीक से जड़े जब बहुत ऐसो आराम करा गोटे सब आकांक्षा कले कमी सुखर रही आई पुण्य कले स्वर्ग से स्थान देदेवि ये कौ भाव रही भाव अनुसार तार नूतन शरीर से प्राप्त हम कि भगवान कौन कहते मत बुझीपार मोर भक्त मान यू भल भाव बुझीपारती भाव से मो भाव प्राप्त हमें भगवान को बुझा भगवान विषय जाणी भगवत तत्व कृष्ण तत्व को बुझीपार जीव तत्व को बुझीपार प्रकृति कौन कालकर्म कर्म कौन ये पांचटी तत्व को बुझीपार भगवत गीतार भगवान आमको जहाँ आदेश कर हिसाब से जब आम जीवन जापन करवा भगवान भाव को प्राप्त होगा भगवान भाव को प्राप्त होगा मैंने भाया गोटे शरीर आमको मिल तार अर्थ ये ना आम सहित मिसीज ठीक से जे जो भाव अंत काल जी जो भाव से शरीर प्राप्त हो तो से कहुच्छे लाइफ इज ए प्रिपेरेसन एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन आम सारा जीवन जमी प्रिपेयर कला से डेथ समय से हम एग्जामिनेशन कहीं मान कौन हो प्राण प्रायण समय कफवात पित्त कंठा बरोधन विधो स्मरणम कुटस्ते जितने जीवन जीव से समय कफवात पित्त ये जो तीन टा तत्व आम शरीर अच्छी ये सब डिसबैलेंस कंठ अवरोध हो जाए तंटी एम चिपी देला भाया लगे से समय स्मरण कृत से समय कौन स्मरण आसवे कते आसवे जदि आप सब प्राक्टिस करेंगे एवं भी देखते आपड़ी कौन से असुविधा मुभमेंट पड़ा मन टी विचलित होगा सांगे सांगे आम मन भितर जप आरंभ हो बाय डिफल्ट जप हो तो जिते कष्ट पड़ो आम जो अभ्यास रही थी आम सांगे सांगे भगवान नाम जप आरंभ कर से समय नाम जप करदे मैंने भगवान स्मरण आसीगला एवं आम भगवान से भाव को प्राप्त होगा तांकर से धाम को प्राप्त होगा अवश्य भक्त मान एत लालसा न था भगवत धाम को प्राप्त होगापी भगवान चाहती जो भी मम जन्मनी जन्मनी स्वरे भगवताम भक्ति अहेतुकी चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक कहते मोर प्रत्येक जन्म तुम मत अहेतुकी भाव तुम भक्ति मत दि से ही मोबाइल चरम सुख व चरम आनंद आ प्रभुपाद कहते भगवान भक्ति करे गोलोक वृंदावन जीव आज प्रचार करलरेडी गोलोक वृंदावन जा सारा खाली डेट के से डेटा मानते जमी आम निजे निज को प्राक्ट करवा टोफेल एग्जाम देखिए विभिन्न एग्जाम देले आम फरेन को जापर किंतु जड़े अलरेडी से एग्जामिनेसन सब पास कर सारा तार पासपोर्ट हो सारा भिसा हो सारा तार एरोप्लेन टिकेट हो सारा खाली कौ दिन जीव से टिकेट डेट भी पड़ सारा से डेट आसे से जीव अलरेडी से सब प्रिपेयर हो सारा ठीक से जे प्रचार करुच्चे भगवान नाम प्रचार कर भक्त मान मंदिर आणुच्चे मंदिर को आसवा भी निहाती जरूरी बहुत भक्त मैंने कौन कर आज गोटे फंक्शन होगा कल आवाने बहुत दिन पड़गले आवाने पाग को देखुंत कौन गोटे पाग खराब हो जी कौन गोटे असुविधा बाहाना खाली कहते कमी मंदिर न आसवा बेले बेले पड़े आस कोड़े बैस बेले बेले आसला पांच तो यहपरी भाव में आम समस्ते भगवान को एवोड कर मानते आम से मनटा बर्तमान भी भगवान पाखे से भाव प्राप्त आम ना मंदिर को छाड़ी घर रही पार ना कौन गोटे बहुत विशेष धरण असुविधा होगा से अलग कथ कि आम जब बाहाना खोजी खोजी आज शोई पड़ी आज बहुत निद लगुच आज जीवि ना शरीर असुस्थता है आसपारे से अलग कथ कि अगर प्रकार जो बाहन मंदिर न आसवा एटा कौन हम धीरे धीरे भगवान आम जो हिसाब से दूरे तो जी नहीं कि जो हिसाब से प्रगति होगा कथा भक्ति से प्रगति से मात्रा हो पार ना तो आम समस्ते से भगवद गीतार भगवान जो भगवद गीता हूँ भगवान
ମନର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ବେଦରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଯେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା କଥା କେମିତି ତ ବହୁତ ମାନେ ବେଦ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଘୃଣା କରିବେ ସେ ଭଗବାନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଓଲଟା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଗବତରେ ରାଧା ନାଁ ଅଛି ରାଧା କେମିତି କୃଷ୍ଣ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ କରିବେ ଯୋଉଟାକି ମୂର୍ଖତାର ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ବେଦ ପଢି କଣ ହବ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହବ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରୈଗୁଣ ବିଷୟ ବେଦା ଅର୍ଜୁନ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବେଦର ଜ୍ଞାନ କଣ ମୋତେ କହୁଛୁ ତ୍ରୈଗୁଣ ଏଇ ବେଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତିନି ଗୁଣ ସମାହିତ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବେଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଦେବ କାହିଁକି ସେ ବେଦ ପଢିକି ବଦମାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବେଦ ପଢିକି ବେଦ ବେଶୀ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ସେମିତି ଓଲଟା ସିଧା କାମ ବେଶୀ କରିବେ ଗୋମେଧ କରିକି ସେ ଗାଈକୁ ମାଂସ ଖାଇ ବସିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାହୁଏ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଗାଈକୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ତାକୁ ନୂତନ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ମାନେ କଣ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡିଲେ ସେ ଯୋଉ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ତ ଏମିତି କରିକି ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଏବଂ କହିଲେ ପଶୁ ଯୋଉ ବଧ କରୁଛ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ଏ ବେଦ ବେଦ କିଛି ନାହିଁ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ତ ଏଇ ବେଦ ପଢିଲେ ସେମିତି ମୂର୍ଖତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଣେ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଜ୍ଞାଏ ମୋର ଆଜ୍ଞାରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ହୁଅ ଆଉ ଯାହା ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ତାହାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ସେଇ ଗିନା ବାଣୀ କହ ତାହେଲେ ତମେ ଗୁରୁ ହେଇଯିବ ନିଜ ମନରୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଦଜ୍ଞ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେବେ ସେଟା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହରେ କୃଷ୍ଣ।